कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो वाइट ही चूज़ कीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। सो वाइट के सेंटर पीस को टॉप पे रखें इस तरह से, और फिर पहले हम यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस बनाना बहुत इजी है, इसमें कोई फंडा नहीं है, आप खुद से भी ये क्रॉस बना सकते हैं। ये बन गया क्रॉस। अभी हमें यहाँ पर कॉर्नर प्लेस करने हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि यह जो हमने क्रॉस बनाया उसका जो ये पार्ट होते हैं वो सेंटर पीस के साथ मैच हो रहे हैं, मतलब कि रेड, अगर ये पार्ट रेड है तो ये पार्ट भी रेड है, और उसी तरह सारे पीसेस में। ठीक है, अभी हमें कॉर्नर प्लेस करना है। सो जो भी कॉर्नर हमें यहाँ प्लेस करना है वो पहले लास्ट लेयर में होना चाहिए। सो ये रहा कॉर्नर वाइट पीस का लास्ट लेयर में, तो अभी इस कोना को यहाँ से यहाँ भेजना है, लेकिन उसके पहले चेक कीजिए कि उसकी दूसरी साइड है वो कौन से कलर की है। सो ये है ऑरेंज, सो इस कोना को घुमाइए जब तक ये ऑरेंज सेंटर पीस के मैच ना हो जाए। इस तरह से ये ऑरेंज सेंटर पीस के साथ मैच हो रहा है। अभी वाइट को फ्रंट फेस पर रखिए इस तरह से, और अगर ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पर तो उसको राइट में घुमाइए। इस लेयर को नीचे लाइए, जिसको राइट में ले गए थे उसको वापस लेफ्ट में लाइए, और जिसको नीचे लाए थे उसको वापस ऊपर। सो ये सही जगह पर प्लेस हो गया। उसी तरह से सारे हमें करने हैं। ये रहा जो कि है राइट साइड पे, और जिसका दूसरा पार्ट है ग्रीन, सो उसको घुमाओ और ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच करो। ये हो गया ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच। अभी अगर ये राइट हैंड साइड पे है तो इसको हम लेफ्ट में घुमाएंगे। लेफ्ट में घुमाया, इसको नीचे लाया, इसको वापस रखा, इसको वापस ऊपर। सो ये सही जगह पर आ गया। सो ये दो हमने कर दिए। नाउ ये रहा तीसरा, इसका दूसरा पार्ट है रेड, सो यहाँ पर ये आएगा। तो ऐसे रख के वाइट को फ्रंट में रख के, फिर अगर ये राइट हैंड साइड पे तो उसको लेफ्ट में मूव करना है इस तरह से, फिर ये पार्ट को नीचे लाओ, इसको वापस रखो, एंड ये पूरा लेयर को वापस ऊपर कर दो। सो ये सोल्व हो गया। सो अभी सारे हो गए, लेकिन कोई एक पीस है जो कि यहाँ पर नहीं है। सो ये वाला पीस का वाइट पोर्शन है वो नीचे चला गया है यहाँ पर। सो इसको पहले यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना पड़ेगा फ्रंट पे, और उसके बाद यहाँ से यहाँ। ठीक है, सो इस वाले पीस को उसी पीस के नीचे रखो जो कि अभी मेसअप है। सो ये मेसअप है, उसी के नीचे इसको रखो, और ऐसे रख के फिर एक बार ऐसे टर्न करो, फिर लास्ट लेयर को दो बार घुमा दो और ये लेयर को वापस ऊपर कर दो। सो ये आ गया हमारा फ्रंट में। सो अभी सेम फॉर्मूला जो हमने आगे की थी, ये ग्रीन है तो ग्रीन के साथ मैच करो, ये ग्रीन ग्रीन सेंटर के पीस के साथ मैच हो गया, फिर वाइट को फ्रंट में रखो, फिर अगर ये लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे है तो इसको राइट में घुमाओ, इस लेयर को नीचे लाओ, इसको वापस प्लेस करो, इसको ऊपर कर दो। ठीक है, सो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया। अगर अभी भी एक केस बाकी रह गया है, अगर ऐसा केस आता है जहाँ पर ये सही जगह पे है लेकिन इसको वाइट पोर्शन ऊपर होना चाहिए, तो फिर भी इसको पहले हमें यहाँ से उठाकर लास्ट लेयर में लाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर ले जाएंगे। सो उसके लिए इसको ऐसे टर्न कीजिए, फिर लास्ट लेयर को दो बार घुमा दो, फिर इसको वापस ऊपर कर दो। सो ये जो था वो लास्ट लेयर में आ गया। फिर सेम प्रोसीजर, दूसरा पार्ट है ब्लू, सो ब्लू सेंटर पीस के साथ मैच किया, वाइट को फ्रंट में रखा, राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे, इसको नीचे करेंगे, वापस रखेंगे एंड पूरे लेयर को ऊपर कर देंगे। सो ये हो गया हमारा लेयर वन कंप्लीट। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं स्पेशल ट्यूटोरियल फॉर लेयर वन। नाउ लेयर टू। लेयर टू में हमें ये जो एज पीस है वही अरेंज करने हैं, क्योंकि
सेंटर पीस ऑलरेडी प्लेस होता है और वो मूव नहीं करता, सो हमें सिर्फ ये पीसेस है वो ही अरेंज करने हैं। सो उसके लिए आगे की तरह ही जो कि पीस जो यहाँ आना चाहिए वो पहले लास्ट लेयर में होना चाहिए, यहाँ पर जो पीस यहाँ का है या तो फिर यहाँ का है उसे पहले हम लाएंगे इस पोजीशन पे और यहाँ से फिर मूव करेंगे यहाँ या तो फिर यहाँ, ठीक है। सो कोई भी एक ऐसा पीस जो कि है सेकंड लेयर का पर अभी थर्ड लेयर में है ऐसा आइडेंटिफाई करो, मतलब कि लास्ट लेयर है येलो, सो जो भी पीस येलो नहीं होगा वो सारा सेकंड लेयर का होगा, मतलब कि ये रहा पीस जो कि है रेड एंड ब्लू, सो ये रेड एंड ब्लू होना चाहिए, ये रेड एंड ब्लू के बीच में, सो ये पीस यहाँ का है। सो पहले इस पीस को सेंटर के साथ मैच करो, जो फ्रंट फेस देख रहा है वो रेड है तो उसको रेड के साथ मैच करो ऐसे, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला है, ये एल्गोरिदम है जिससे ये पीस यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रखा, लास्ट लेयर को अगर इसको लेफ्ट में ले जाना है तो इसको राइट में घुमाओ, फिर जहाँ पर ले जाना है उस लेयर को नीचे लाओ, फिर इसको जो ऐसे घुमाया था उसको वापस घुमा दो, फिर इसको नीचे लाए थे उसको वापस ऊपर कर दो। तो हमने ये पीस जो है वो ख़राब कर दिया, वो पीस कहाँ है अभी, सो वो पीस ये रहा। सो अभी इस पीस को वापस यहाँ से यहाँ ले जाना है जो कि हमने फर्स्ट लेयर में सीखा था, अगर यहाँ से यहाँ ले जाना है तो अगर लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे पीस है तो उसको लेफ्ट साइड में मूव करना है जहाँ पर स्पेस है, सो इसे लेफ्ट साइड पे मूव किया, इस लेयर को नीचे लाए, इसको वापस घुमाया ऊपर, सो ये हो गया। सो अगेन आइडेंटिफाई करना है कौन सा एच पीस है जो कि सेकंड लेयर का है पर थर्ड लेयर में, सो ये रहा पीस जो कि है ग्रीन एंड ऑरेंज, तो उसे होना चाहिए यहाँ पर, सो फ्रंट में ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन के साथ मैच करो, ग्रीन के साथ मैच किया या ऑरेंज, सो इस पीस को यहाँ से यहाँ लाना है, लास्ट पीस में हमने यहाँ से यहाँ ले गए थे लेफ्ट साइड पे, अभी हम यहाँ से यहाँ लाएंगे राइट साइड पे, सो इसमें अगर हमें राइट साइड में ले जाना है तो लास्ट लेयर को लेफ्ट साइड पे मूव करना है ऐसे, फिर ये जो लेयर है जहाँ पर पीस हमें ले जाना है उसको नीचे लाओ, फिर हम किसको लेफ्ट में ले गए थे उसको वापस राइट में लाओ, एंड जिसको जिसको नीचे लाए थे उसको वापस ऊपर कर दो, ठीक है। सो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने एक फिर से मेसअप किया, सो उसे सॉल्व करना है जो कि हमें आता है जो हमने लेयर फर्स्ट में सीखा था, ऐसे पकड़ो वाइट फ्रंट में रहना चाहिए, ग्रीन कॉर्नर के साथ मैच हो रहा है और स्पेस है राइट साइड पे, वहाँ पर मूव करो, इसको नीचे लाओ, जो राइट में ले गए थे उसको वापस लेफ्ट करो एंड ऊपर। नाउ अगेन अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा पीस नहीं है जो कि सेकंड लेयर का हो लेकिन अभी लास्ट लेयर में हो, सो ये जो पीस है ये पीस यहाँ के बदले यहाँ होना चाहिए और ये पीस यहाँ के बदले यहाँ होना चाहिए, सो पहले इस पीस को निकाल के थर्ड लेयर में लाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो वापस सेकंड लेयर में सही तरीके से बैठेगा। सो अज्यूम कि अगर हम ये वाले पीस को यहाँ से यहाँ प्लेस करें तो ये पीस ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएगा और लास्ट लेयर में आ जाएगा, सो हमें वही करना है, इस पीस को यहाँ से लेकर यहाँ पर सेंड करना है, सो ये इसको यहाँ से यहाँ भेजते हैं, यहाँ से लेफ्ट ले जाना है, सो राइट में मूव करो, इसको नीचे लाओ, इसको वापस एंड ऊपर। अब ये जो हमने मैसअप किया वो सॉल्व करते हैं, ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, अगर आपको अभी नहीं आता है तो आप फर्स्ट लेयर बहुत बार प्रैक्टिस करें उसके बाद ही सेकंड लेयर पे जाए, सो ज़्यादा इजी रहेगा। सो नाउ ये रहा पीस जो कि वहाँ से निकल गया, अब ये पीस को होना चाहिए ऑरेंज एंड ब्लू के बीच, ऑरेंज एंड ब्लू के बीच, सो ऑरेंज के सेंटर के साथ मैच करना है पहले, यहाँ ये हो गया और ये ब्लू, सो यहाँ से यहाँ ले जाना है, सो यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए
राइट साइड पे ले जाना है, सो लेफ्ट में मूव करो इसको नीचे, इसको वापस से ऊपर। अब ये जो हमने खराब किया उसको सॉल्व करो, सेल के साथ मैच है, हो गया। नाउ ये लास्ट पीस जो कि होना चाहिए यहाँ पर, सो ग्रीन के साथ ग्रीन मैच किया। अब इसको राइट मूव किया, इसको नीचे, इसको वापस ऊपर। ये हो गया लेयर टू सोल। नाउ लेयर थ्री, लेयर थ्री टोटल चार पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम यहाँ पर एक क्रॉस बनाएंगे, उसके बाद क्रॉस को अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, मतलब कि यहाँ पर जो पीस होगा वो इस सेंटर पीस के साथ भी मैच होना चाहिए। थर्ड कॉर्नर पीस सेट करेंगे और फोर्थ कॉर्नर पीस को अकॉर्डिंगली मूव करेंगे, मतलब कि ये साइड रेड होनी चाहिए, ये साइड ब्लू और ये साइड येलो। सो फोर पार्ट्स, फर्स्ट क्रॉस बनाओ, सेकंड अकॉर्डिंगली सेट करो, थर्ड कॉर्नर्स बनाओ एंड फोर्थ कॉर्नर्स को अकॉर्डिंगली सेट करो। सो फर्स्ट मेथड, पहले हम क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस में आपको ये सिचुएशन आ सकती है, या तो फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से बना हो सकता है, वन टू एंड थ्री पीस सेट हो सकते हैं, या तो फिर वन टू एंड थ्री ये पूरी लाइन में सेट हो सकते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट सिचुएशन ये है, या ऐसे सिचुएशन, सारी सिचुएशन में एक ही ऑपरेशन रिपीट करना है। अगर ये सिचुएशन है तो क्यूब को ऐसे पकड़िए, फिर इसके फ्रंट फेस को राइट पे घुमाइए, राइट फेस को अप एंड टॉप को घुमाइए। उसके बाद वही रिपीट का उल्टा करना है, राइट को वापस नीचे कर दो, टॉप को वापस घुमा दो, एंड ये जो पूरी लाइन बन गई उसको नीचे भेज दो। सो ये भी हमने खराब नहीं किया और यहाँ पर हमने दो पीस सेट कर दिए। अगर आपको डायरेक्टली ये सिचुएशन आई है तो क्यूब को इस तरह से पकड़िए कि एक पीस है वो आपकी तरफ हो और दूसरा पीस राइट हैंड साइड पे। इस तरह से पकड़ के वही ऑपरेशन रिपीट करना है, फ्रंट फेस को एक बार घुमाइए, राइट को एंड देन टॉप को, फिर राइट को वापस नीचे, टॉप को वापस बैक, और ये जो लाइन बन गई उसको नीचे भेज दो। सो ये पूरी लाइन बन गई। अभी अगर डायरेक्टली आपको यही सिचुएशन आई है, या तो फिर ये स्टेप करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो लाइन को इस तरह से रखना है कि वो आपको पॉइंट ना करें। सो इस तरह से रख के फिर पहले ऐसे राइट घुमाइए, फिर राइट को अप एंड देन टॉप को, फिर राइट को वापस नीचे, टॉप को भी वापस, एंड ये जो लाइन बन गई उसको नीचे भेज दो। सो यहाँ पर हमने ये पूरा क्रॉस बना दिया, ठीक है, ये कोइंसिडेंटली आया है। सो हमने सिर्फ ये क्रॉस बनाया। सो फर्स्ट स्टेप खत्म, क्रॉस बन गया। देन सेकंड स्टेप, क्रॉस को अकॉर्डिंगली सेट करना है। सो क्रॉस को मूव कीजिए ताकि ये कोई भी दो पीस होंगे, ये ग्रीन के साथ ग्रीन और रेड के साथ रेड, ऐसे कोई भी दो तो मैच होंगे ही। सो ये ब्लू के साथ ब्लू है और ये ऑरेंज के साथ ऑरेंज है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको घुमा के ट्राई कीजिए, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ये स्टेप कीजिए जो हम करने वाले हैं, और उसके बाद ट्राई कीजिए। सो कोई भी दो पीस तो मैच होंगे ही। सो यहाँ पर हमारे ब्लू एंड ऑरेंज मैच हो रहे हैं। सो वो जो दो मैच हो रहे हैं उसको एक को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरे को हमसे दूर इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, इस तरह से पकड़ के ये दो हो गए हैं और ये दो करने हैं। सो इसको इस तरह से पकड़ के फिर ये स्टेप करना है, सेकंड स्टेप, राइट हैंड साइड अप, फिर इसको टॉप लेयर को राइट साइड पे दो बार घुमाना है, वन एंड टू, फिर राइट हैंड साइड डाउन एक बार राइट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड वापस अप, टॉप लेयर को वापस राइट हैंड साइड। सो ये पूरा लेयर लाइन बन गया, उसको वापस नीचे कर दो। सो ये ऑपरेशन था जो कि हमने कर दिया। सो अभी ट्राई करते हैं। सो यहाँ ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो रहा है, रेड के साथ रेड, ब्लू के साथ ब्लू एंड ऑरेंज के साथ ऑरेंज। अगर आपको ये थोड़ा फास्ट लगा हो तो आप रिपीट करके वापस जाके फिर से ये स्टेप दे सकते हैं, और
ये तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आपको ये अच्छी तरह से नहीं आ जाता, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप के स्किप कीजिए, वरना आगे जाके थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो हमने फर्स्ट कर दिया क्रॉस बनाकर, सेकंड कर दिया अकॉर्डिंगली सेट करके, थर्ड कॉर्नर्स लगाने हैं। सो कॉर्नर्स के लिए पहले देखिए कि कोई भी एक ऐसा कॉर्नर है जो कि सही जगह पर हो, मतलब कि वो सही पोजीशन पे नहीं होगा तो चलेगा, यहाँ पर येलो और यहाँ पर ब्लू और यहाँ पर ऑरेंज नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन येलो यहाँ पर है, ब्लू यहाँ पर है और यहाँ पर ऑरेंज है तो भी वो अपनी सिचुएशन सही है, लेकिन सिर्फ डिरेक्शन बदलनी बाकी है। सो ऐसा कोई है वो? अभी कोई भी एक कोना है जो कि सही पोजीशन पे होगा, ये कॉर्नर सही पोजीशन पे है और बाकी सारे गलत पोजीशन पे। सो इस कोना को राइट कोना पे रखना है, यहाँ पर राइट साइड पे, यहाँ पर रखा और फिर ये मूव्स करना है, लेफ्ट को ऊपर घुमाओ, फिर टॉप को ऊपर घुमाओ, फिर राइट को ऊपर घुमाओ एंड टॉप को वापस घुमाओ, फिर ये जो लाइन बन गई उसको नीचे भेज दो, फिर टॉप को वापस एक बार घुमाओ, फिर ये जो लाइन बन गई उसको भी नीचे भेज दो। ठीक है, अभी ये कंप्लीट। अभी इसके बाद टॉप को मैच करो और ये एज पीसीस के साथ, ये ग्रीन के साथ ग्रीन, वो हमने मैसअप नहीं किया, वो वैसे ही है। नाउ चेक कीजिए कि अगर हमने कॉर्नर्स मूव किए हैं तो वो सही पोजीशन पे आ गए या नहीं। सो ये सही पोजीशन पे है, ये भी सही पोजीशन पे आ गया, ये भी सही पोजीशन पे एंड ये भी सही पोजीशन पे। सो कार चारों कॉर्नर सही पोजीशन पे आ गए हैं। अगर ये स्टेप करने से सारे कॉर्नर अरेंज नहीं हो रहे तो यही स्टेप रिपीट कीजिए, फिर वो सही तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अगर आगे के भी किसी भी स्टेप में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वही स्टेप रिपीट करो। ओके, सो नाउ स्टेप 4। स्टेप 4 में पहले देखिए कि कोई भी एक कॉर्नर बना हुआ है, अगर नहीं है तो आप क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हैं। सो ऐसे पकड़ के फिर ये स्टेप करना है, राइट को ऊपर घुमाओ एंड टॉप को दो बार राइट घुमाओ, फिर राइट को नीचे, टॉप को एक बार राइट, राइट को ऊपर एंड टॉप को एक बार राइट। सो ये लाइन बन गई उसको नीचे कर दो, फिर लेफ्ट साइड पे सेम, लेफ्ट को ऊपर करो और इस बार लेफ्ट में घुमाना है दो बार टॉप को, फिर लेफ्ट को नीचे करो, टॉप को एक बार लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट को ऊपर करो, टॉप को एक बार लेफ्ट घुमाओ, लाइट बन गई उसको नीचे कर दो। सो ये एक अरेंज हो गया। अभी ये एक बना है उसको हम यहाँ पर रखेंगे लेफ्ट साइड पे इस पोजीशन पे, और वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, राइट को ऊपर फिर दो बार राइट घुमाओ नीचे उसको ऊपर, अगेन लेफ्ट साइड पे, अभी ये दो बन गए। अभी एक को यहाँ रखेंगे तो दूसरा यहाँ पर जाएगा। सो कोई भी एक को अगर ऐसी पोजीशन है तो किसी भी एक को यहाँ पर रखना है, अगर दो बाजू में होते यहाँ पर यहाँ पर, तो हम दोनों को यहाँ पर रखते, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है। सो पर ऐसे आमने सामने हैं, सो किसी भी एक को इस कोने पर रख के वही प्रोसेस रिपीट करनी है। अभी ये दो बन गए, अगर ऐसे दो बने हैं तो एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर रखे और वही प्रोसेस रिपीट करें। ये हो गया रूबिक क्यूब। सो अगर नहीं हुआ तो यही प्रोसेस रिपीट एंड रिपीट करनी है, और हर एक स्टेप को कई बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि किसी भी एक भी मूव्स में आप गलती ना करें, ताकि पूरा स्टेप फेल हो जाए। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो मैंने स्पेशल ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी, या तो फिर आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली तो स्पेशल ट्यूटोरियल फॉर लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3 जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। आप मेरी तीन चैनल है,